कामना करते हैं।
और आज बच्चे लोगों के लिए तो मैडम स्पेशल डे है हाँ। क्योंकि वो लोग गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। मैं भी वेट करके आई हूँ, मैं भी दो तिल के लड्डू घर पे बने हुए मैं खा के आई हूँ। मैं अपनी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। आपकी तो दुआएं इतनी मिली आज आपको। बहुत ही बड़ा स्टेप है ये, और सबसे बड़ी चीज़ है ये हम पुलिस वालों के बीच में ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र की सुरक्षा में अग्रणी है। और ये पुलिस महकमा इतना मजबूत है हमारा कि हम कहीं आज कितनी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यहाँ पर कोई अटैक नहीं, कहीं कुछ नहीं। और उन महिलाओं को हमारी निदेशना जी के द्वारा आज पुरस्कृत किया गया है, उन लोगों का हल्दी कुमकुम रखा गया है। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊंची सोच है, और जब सोच बदलती है तो देश बदलता है। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आई थी, क्या यहाँ पर इतना बड़ा कमलम में उसमें गमंडी राम ट्रस्ट वालों ने काफ़ी अच्छा करे थे पिछली बार भी जो पुलिस वालों के लिए। और ये भी ये लोग आगे बढ़ बढ़ के हर चीज़ लोगों की मदद करते अलग अलग तरीके से। एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पुलिस वालों के यहाँ आते, आज सेकेंड बार आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इतने लोगों में चाह है और उत्साह है हर चीज़ करने के लिए। पतंग के लिए भी काफ़ी बच्चे आकर यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि वो हम लोगों को ये चीज़ का हिस्सा बनाती है। आई रियली प्रे, मैं उसके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि वो और अच्छी करते रहे और आगे बढ़े। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं मुंबई की बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, पली बड़ी यही की, और इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि एज अ वुमन मैं बहुत ही सेफ फील करती हूँ, एंड इट इज़ ओनली थैंक्स टू मुंबई पुलिस। तो मेरे हिसाब से आमची मुंबई पुलिस इज बेस्ट। यस, और आज जब हम उनकी दीदियों की हल्दी कुमकुम करेंगे तो वो रिस्पेक्ट है जो उनको पे करना चाहते हैं कि हम उनके हस्बैंड्स की लंबी कामना के लिए उनका हल्दी कुमकुम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, उनके हस्बैंड्स की और लंबी उम्र हो हर